नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। दोस्तों, आज तीसरा दिन है आम अनुपोषण अग्निसेना की महिला पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। तीसरा दिन होने के बावजूद अब तक इस आम अनुपोषण का कोई रास्ता निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन जहां था वहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी वसई राम महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त और उनके साथ पानी पुरवठा के इंजीनियर उपायुक्त को यहां आके गए और उन्होंने ये निवेदन दिया कि इनको उपोषण करता हुए निवेदन किया कि आप ये उपोषण पीछे ले लीजिए। उनका ये कहना है, उनका ये तथ्य है कि कहीं न कहीं ये जो पूरा सूर्या प्रकल्प है वो हमारे अंडर नहीं है और MMRDA के अंडर है। हमने MMRDA को ऑलरेडी कई कागज लिखे हैं, उनको पत्र लिखे हैं, उनको सूचना की है और जिस दिन MMRDA ये कार्यक्रम जाहिर कर देगा हम अपनी तरफ से पानी शुरू कर देंगे। उनका ये इतना दो टूक कहना था, लेकिन सवाल वही है कि MMRDA हो या महानगर पालिका हो या मुख्यमंत्री सचिवालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, क्यों ये देरी हो रही है पानी में, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई है कि लोगों की जान की भी यहां परवाह नहीं है। 3 दिन से लोग इसके लिए यहां उपोषण पर बैठे हैं, आम रणक्षण पर बैठे हैं कि लोगों को पानी मिले और वो बैठने वाली भी महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो अपने ही अंदाज में, अपने ही एक ये कह सकते हैं हम कि चिर परिचित अंदाज, जब हमको जो करना है तभी करेंगे, उसी में दिखाई दे रहा है। अब इन महिला पदाधिकारी की हेल्थ लगातार गिरते चली जा रही है, चिंताजनक एक माहौल बनते जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ फिलहाल इस मामले में कोई आगे बढ़ता हुआ यह मामला दिखाई नहीं दे रहा है और अग्निसेना अभी भी, ये महिलाएं अभी भी डटी हुई है कि चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए, हम जब तक पानी नहीं मिलेगा पीछे हटने वाले नहीं है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं विरार मुख्यालय के बाहर की तस्वीर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जय सर, कल महानगर पालिका ने एक पत्र MMRDA को लिखा था, आपकी तरफ से भी हमें वो प्रेस नोट आया है, उसके बाद आज अभी जस्ट महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ आए थे, आपसे उपोषण शायद पीछे लेने का उन्होंने आह्वान किया, लेकिन आपका स्टैंड उस पर क्या है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त श्री अजिंक्य बगाड़े साहब, उपायुक्त प्रमोद नरवे जी, उसके बाद में सुरेंद्र ठाकरे जी और पासंगे सर यहाँ पे आए थे। उन्होंने ये विनंती की कि ये जो उपोषण चालू है ये आप पीछे ले लो। उन्होंने बोला कि हम लोग ने MMRDA को 4 पत्र दिए हैं लेकिन उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। अगर महानगर पालिका की तरफ से MMRDA को 4 पत्र इश्यू होते हैं और उनका जवाब नहीं आता है, महानगर पालिका तो अथॉरिटी है, तो फिर सामान्य जनता इसमें क्या करेगी? तो अगर महानगर पालिका की बात अगर MMRDA नहीं सुनते, MMRDA मतलब MMRDA की चीफ जो है वो मुख्यमंत्री है, अगर उनकी बात वो सुनते नहीं है तो सामान्य नागरिक की बात सुनेंगे क्या? तो उनको हम लोग ने बोला कि हम लोग को जो लोकशाही ने अधिकार दिया है, महात्मा गांधी जी ने जो सिखाई हमें पढ़ाई दिया है, उनके अहिंसा के मार्ग से हम लोग का आंदोलन जो है चलता रहेगा। जब तक MMRDA ने जो पहला पायलट प्रोजेक्ट उनका कम्प्लीट किया है उसका उद्घाटन नहीं होता है, उसका पानी वसई विरार की जनता को मुहैया नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन पीछे नहीं होगा, ये अनशन खत्म नहीं होगा। 48 घंटे से अधिक का समय होगा, तीसरा दिन है, ये तीनों ताई जो है वो उपोषण पर बैठी हुई, इनकी हालत काफी गिरते जा रही है, इनकी हेल्थ है वो काफी गिरते जा रही है, तो इसी परिस्थिति में आगे किस तरह से ये उपोषण आगे बढ़ पाएगा? अगर महानगर पालिका को चिंता नहीं है इनकी जान की, MMRDA को अगर चिंता नहीं है इनकी जान की, मुख्यमंत्री साहब को अगर चिंता नहीं है, तो उनका लुक है दिवाली है और दिवाली में जो अपनी अन्नपूर्णा है वो घर में होनी चाहिए। आज वो अन्नपूर्णा यहाँ से 3 दिन से भूखी है, ना वो अनाज ले रही है ना वो पानी ले रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब से विनंती है कि साहब आप ये उद्घाटन का जो सिलसिला है वो छोड़ दीजिए और वसई विरार को जनता को जो पानी है वो अदा कीजिए, क्योंकि वसई विरार को जनता को पानी मिलेगा तो उनके लिए दिवाली की सपने मेट हो जाएगी। तेरे गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।